ठीक है, थ्योरीज ऑफ पावर में नेक्स्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में दो मेजर थ्योरीज हैं, एक तो मार्क्स की और एक माइकल फूको। ठीक है जी, तो मार्क्स पे मैं क्विकली बस आई एम जस्ट रनिंग थ्रू मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्स पर सिंपली वही बोलता है, अपनी किताब लिखेगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें वो बोलेगा कि जिसके पास पावर है और जैसे जिसके पास धन दौलत कैपिटल है वही ओनर ऑफ पावर भी है। तो उसके बारे में बात करते हैं, वो सह रहा है कि हैव्स जो कि ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मार्क्स दो तरह से बात करेगा, अपने जैसे वर्ड चाहते हो वर्ड्स क्या होंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्क्स में, लेकिन वर्ड्स होते हैं बुर्जुआसी एंड प्रोलेटेरियट। वो सिंपल रख सकते हो वैसे आप, हैव्स बोलता है वो जिनके पास प्रोडक्शन के जो मालिक हैं। देखो अब हैव्स एंड हैव नॉट्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करता है, वो कह रहा है कि एक इंसान प्रॉफिट कमाता है, एक इंसान वेजेस। जो प्रॉफिट का ओनर है वो हैव है, जो प्रॉफिट जो वेजेस का जिसको वेजेस मिलती हैं वो हैव नॉट है। तो कह रहे इसलिए हैव्स ये इनके पास पावर है, एलीट वाली पावर। एंड वो कह रहा है कि लेकिन कोअर्सिव पावर है, लेकिन कोअर्सिव पावर को हम कहते हैं जनता ने फॉल्स कॉन्शियसनेस के चलते मान लिया। फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ, बहुत मैं क्विकली आपको बता रहा हूं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मार्क्स पढ़ेंगे। फॉल्स कॉन्शियसनेस मतलब ये एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी विचारधारा है जो कि झूठी है लेकिन लोग इसको मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कहते हैं जब वर्कर को बोला गया कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, वेजेस बढ़ा दी जाएगी, वर्कर को लगेगा कैपिटलिस्ट अच्छा है। तो लेकिन ये क्या है, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। या फिर उल्टा एक और तरह से इमेजिन करो, जब वर्कर कहते हैं कि मेरी हालात बहुत ख़राब है एंड सिचुएशन बहुत ही बुरी है कि मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, सारा दिन काम करता हूँ एंड तो इसीलिए अब क्या करो, मेरी सैलरी बढ़ाओ और वर्क ड्यूरेशन कम करो। मार्क्स कह रहा है अगर आप ऐसे ऐसे डिमांड्स कर रहे हो तो आपके फॉल्स कॉन्शियसनेस है। ट्रू कॉन्शियसनेस क्या बोलेगी मार्क्स के हिसाब से, कि सभी वर्कर्स इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ये ऐसा करने से जितनी मर्जी सैलरी बढ़ाई जाओ घटाई जाओ उसका फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम ऑप्रेसिव ही रहेगा। ठीक है जी, तो मार्क्स इसे बोलता है ट्रू कॉन्शियसनेस कब आएगी, जब ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम को उखाड़ फेंकोगे एंड सोशलिज्म या कम्युनिज्म के हम शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, तो मार्क्स का वहां पर वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, मार्क्स कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक किताब लिखता है मार्क्स एंड वहां पर वो बोलता है कि जब एक क्लास ऑप्रेस करती है दूसरी क्लास को तो पॉलिटिकल पावर का जन्म होता है। ठीक है जी, तो उसके पास पॉलिटिकल पावर क्यों है, क्योंकि उसके पास पॉलिसी मेकिंग पावर है, अपने हिसाब से पॉलिसी बना रहा है वो। एंड देन वो कह रहा है पावर इज परवेसिव विच डोमिनेंट क्लास एक्सरसाइजेज इन एवरी फील्ड थ्रू डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। परवेसिव मतलब कि सब तरफ घुस जाती है, सब तरफ फैल जाती है कि पावर इतनी जो पैसे धन दौलत की, क्योंकि मार्क्स का देखो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मार्क्स का जो आइडिया है, मार्क्स को हमने क्या बोला हुआ है, एक हमने इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी बोला है हमने। ठीक है जी, मार्क्स इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, कि मार्क्स ने सब कुछ ही इकोनॉमी के बेसिस पे डिटर्मिन कर दिया है। मार्क्स को लगता है कि सब कुछ इकोनॉमी चलाती है, इसलिए बोलता है कि इसीलिए जो इकोनॉमी से जो पावर निकलेगी वो वाली पावर जो है वो परवेसिव होगी, मतलब हर फील्ड में फैल जाएगी, सब तरफ चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये था अपने पास बेसिक मार्क्स का आइडिया, मार्क्स कैसे समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक हैव्स हैं एक हैव नॉट्स हैं, या फिर बुर्जुआसी कहता है उसको या फिर प्रोलेटेरियट कहता है। ठीक है जी, तो इन ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एंड देन अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम बात करेंगे माइकल फूको की। माइकल फूको अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट है एंड पावर एंड नॉलेज पहली इनकी किताब। तो इनका बेसिक आइडिया क्या है, वो देखो कहने सुनने में बड़ा सिंपल आइडिया लगेगा आपको, कि वो कह रहे हैं कि जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है, लेकिन ये आइडिया बहुत डेप्थ में है वो, कि कैसे नॉलेज से पावर बनती है। अब आप देखो समझो, वो कह रहे हैं पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है किसी एक के हाथों में, या फिर कह रहे हैं कि एक किसी इंडिविजुअल के हाथों में भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि वेरियस इंडिविजुअल्स के पास पावर है, नहीं ऐसा भी नहीं है। एलीट को भी रिजेक्ट करता है वो बोलते हैं पावर हर एक सोशल रिलेशनशिप में है, हर एक जो रिलेशनशिप में पावर है। एंड सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट पावर एक्सरसाइज करती है, कि सिर्फ स्टेट के पास पावर है, नो ऐसा भी नहीं है। अब आगे कहना क्या चाहते हैं, वो कह रहे पावर किस में है, पावर नॉलेज में है। अब नॉलेज का मतलब क्या हुआ, नॉलेज का मतलब ये वाला नॉलेज नहीं है कि जैसे मुझे अगर लेट्स से मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन कर ली, आईआईएम से मैंने मैनेजमेंट कर ली तो नॉलेज आ गई। यस डेफिनेटली आपके पास नॉलेज आ गई, आपके पास पावर भी आएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, अभी आगे देख रहे हैं माइकल फूको कैसे आइडिया बनाएगा अपना। माइकल फूको कह रहा है कि पावर एंड नॉलेज एक दूसरे को बनाते हैं। एंड नॉलेज का मतलब क्या है, जानना। नॉलेज का मतलब है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे वो कह रहे हैं स्टेट,
अभी आप एग्जाम्पल हो आधार कार्ड का, आधार कार्ड का चक्कर क्या है कि स्टेट चाहती है, स्टेट आपकी एक एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती है। कहीं भी आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करो, कैसे भी करो, तो स्टेट को पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन कैसे हुई, ठीक है। अकॉर्डिंगली स्टेट क्या कर रही है, स्टेट अपनी नॉलेज बढ़ा रही है, गेटिंग इट, स्टेट अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा रही है। माइकल फूको हो, अगर माइकल फूको तो कहेगा कि हम इससे क्या कर रहे हैं, स्टेट को और नॉलेज देकर स्टेट को और पावरफुल बना रहे हैं, ठीक है जी। आगे वो कह रहे हैं पावर ऑफ द स्टेट देयरफॉर इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ नॉलेज, वगैरह एक एक चीज के बारे में स्टेट को नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि इंसानों के बारे में और इंफॉर्मेशन और कंट्रोल हम जनता पर एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए नॉलेज एंड पावर हैंड इन हैंड चलते हैं। आगे ही राइट्स, इसीलिए कहता हम क्या डेवलप करते हैं, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वर्ड देगा आपको, डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज का मतलब क्या होता है, डिस्कोर्स का वैसे बड़ा ही सादा मतलब है, वो है डिस्कोर्स इज बातचीत, ठीक है। जैसे मैं और आप अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हम डिस्कोर्स में इन्वॉल्व हैं, आप कुछ पॉइंट दे रहे हो, मैं उसको काउंटर पॉइंट दे रहा हूँ, ये जैसे भी अगर हम बातचीत करते हैं तो हम डिस्कोर्स में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे डिस्कोर्सेज एक पे, लेकिन सोशल साइंसेज का बहुत ही फेमस वर्ड बन गया डिस्कोर्सेज आफ्टर माइकल फूको, कि कैसे माइकल फूको बोलते हैं डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं लेट्स से कि अगर आप अपनी किताब में लिखते हैं वो कि अगर आप बीमार हो, ठीक है, बीमार हो तो बीमार तो 10 तरह से हो सकते हो, कौन सी तरह की बीमारी है आपको, तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए कहते हैं डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस तरह की बीमारी होगी, डॉक्टर के पास नॉलेज है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एंड ऐसा हो सकता है कि जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं था उस चीज के बारे में डॉक्टर आपको बता दे, एंड डॉक्टर डिस्कोर्स में आगे निकल जाएगा। अब यहां पे देखो मैं एग्जांपल को थोड़ा और स्पेसिफिक करता हूं, कि जैसे लेट्स से कि आप कह रहे हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डिप्रेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप साइकेट्रिकली इल हो, ठीक है जी, मेंटली इल हो, तो मेंटली इल कहते किसने क्रिएट किया, डिस्कोर्स, मेंटल इलनेस वॉज अ डिस्कोर्स क्रिएटेड बाय साइकेट्रिस्ट। वो कह रहे पहले नॉलेज आई, नॉलेज क्रिएटेड साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट क्रिएटेड मेंटली इल, तो ये थोड़ा सा ये डीप जा रही है बात, आप इसको दोबारा समझने की ट्राई करो, कि एक तरह का इंसान कोई नॉलेज लेकर आता है और नॉलेज लेके आने के बाद वो एक तरह का डिस्कोर्स बिल्ड करना शुरू करता है, एक तरह की बात करनी शुरू करता है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस बात को मानना शुरू करते हैं, ठीक है जी। अगर हमें पता ही ना होगा कोई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो हम उस बात में माने ना माने हमें पता ही नहीं चलेगा। तो वो कह रहे हैं कि माइकल फूको सेज कि स्टेट भी क्या करती है, स्टेट भी डिस्कोर्स डेवलप करती है। जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें, कभी भी बात करो, गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन लेती है उसको जस्टिफाई करने आ जाती है, जस्टिफाई कि ऐसा हुआ, लेट्स से कि हम बोलें कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी उसका रिजल्ट नहीं आया, तो सरकार कहेगी देखो ये वाला रिजल्ट नहीं आया लेकिन आपने क्या वो वाला रिजल्ट देखा, तो गवर्नमेंट विल वांट टू क्रिएट डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस करके क्रिएट सरकार नई टाइप की नॉलेज क्रिएट करती है, नई टाइप की नॉलेज क्रिएट करने के बाद आप पर उनका कंट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है जी, आपको मनवा लेते हैं वो बात। तो डिस्कोर्स से हम क्या करते हैं, सिर्फ बात ही मनवाते हैं। तो माइकल फूको अगेन ही राइट्स दैट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं, फूको डज नॉट जस्ट थिंक ऑफ पावर इन कोअर्सिव टर्म्स, ऐसा नहीं है कोअर्सिव कि मैंने आपको गला पकड़ के सर पे बंदूक रख के आपसे काम करवा लिया, पैराडॉक्सिकली रादर कह रहा है उल्टा है बिल्कुल, कोअर्जन तो है ही नहीं, फूको कह रहा है पावर तो तब चलेगी, तब ऑपरेट करेगी जब लोगों के पास कुछ फ्रीडम होगी, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है वो, कह रहा है फ्रीडम होगी तो जैसे लेट्स से मेरे पास फ्रीडम है, मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो लेकिन फ्रीडम के साथ साथ मैं कुछ भी करूँगा एक्शन, और लेट्स से मैंने उसके साथ मैंने अपना आधार कार्ड लिंक कर दिया कि कहीं मुझे ट्रेन टिकट बुक करानी है, तो और लेट्स से कहीं मुझे जहाज की टिकट बुक करानी है, कहीं मुझे कुछ बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है, सबके साथ मैंने आधार लिंक कर दिया, ठीक है जी, आधार लिंक हो गया तो मेरे पास आज़ादी थी सब कुछ करने की, तो लेकिन साथ में आधार लिंक्ड है तो साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, नई नई नॉलेज क्रिएट कर रहा हूँ सरकार के लिए, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट मुझ पर बेटर कंट्रोल बना पाएगी। अगर मेरे को बंद करके रख दिया था घर में, तो घर में बंद करके रख दिया मैं, ना ही कोई नई नॉलेज क्रिएट कर पा रहा हूँ, ना ही कुछ कर पा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगी मुझ पर। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसीलिए पावर कैसे ऑपरेट करती है, जब लोगों के पास कुछ फ्रीडम होती है, सम फ्रीडम, ठीक है जी। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त आइडिया है, इसलिए माइकल फूको एक डिस्टिंक्ट थिंकर है, सबसे अलग थिंकर है, क्रिटिकल एनालिसिस को ये अलग ही लेवल पर ले गए, ठीक है, ओके। तो अभी प्लीज बातें नोट करके रखना कि व्हेन पीपल हैव फ्रीडम, एंड जैसे जो हमने बुक्स के नाम नोट कर रहे हैं, एंड आगे अब ये किताब लिखेंगे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इनके दो तीन बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम क्विकली, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये बात करते हैं, एंड इसमें लिखते हैं कि डिस्कोर्स के पहले डेफिनेशन, अगर आप चाहो ये डेफिनेशन सिर्फ छोटी सी हाफ आवर लाइन की डेफिनेशन है, प्लीज याद करने की ट्राई करना। फूको सेज डिस्कोर्स इज प्रैक्टिस दैट सिस्टमैटिकली फॉर्म्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच दे स्पीक, बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है ये, सिस्टमैटिकली बनाते हो आप उस चीज को, जैसे लेट्स से मैंने बात एग्जांपल लिया पॉलिसी फेल हो गई, लेकिन मैं सिस्टमैटिकली काउंटर नरेटिव बनाऊंगा। डिस्कोर्स का एक और हमने वर्ड भी क्या देखा, नरेशन, नरेटिव,
कि मैं काउंटर नरेटिव बनाऊंगा कि किस तरह से मेरी बात सच लगे, ठीक है, सिस्टमैटिकली बनाऊंगा. एंड सिस्टमैटिकली फॉर्म्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच दे स्पीक. जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं उसको मैं सिस्टमैटिकली आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, आप मेरी बात मानते रहोगे. एग्जाम्पल हमने क्या लिया, जो फूको अपनी किताब में भी लिखते हैं, साइकैट्री क्रिएटेड द मेंटली इल. पहले उसके पहले जैसे जब साइकैट्री नहीं होती, लोग बोलते हैं ना जैसे इसमें कोई भूत आ गया, इसमें कोई चुड़ैल आ गई, कुछ भी बोलते थे, साइकैट्री आने शुरू हुई तो मेंटली इल भी होना हमने किसी को करार देना शुरू किया. अदरवाइज उसके पहले मेंटली इल का आइडिया ही नहीं था कि कोई मेंटली इल हो सकता है. आगे, पावर इज पार्ट ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ साइकैट्री एंड नॉट समथिंग दैट इज हेल्ड बाय इंडिविजुअल साइकैट्रिस्ट. अगेन, डू यू सी दैट, कि नॉलेज का एक सोर्स है कौन सा, साइकैट्री एज अ फील्ड, एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, एज अ सब्जेक्ट. साइकैट्री में नॉलेज है एंड जैसे जो भी इस नॉलेज को एक्वायर कर लेगा, जैसे साइकैट्रिस्ट कर लेता है तो साइकैट्रिस्ट पावरफुल हो जाता है. ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल साइकैट्रिस्ट पावरफुल है. वो पावरफुल क्यों है, क्योंकि एक सोर्स है नॉलेज का, वो उसको पावर प्रोवाइड कर रहा है. ओके, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं. एंड देन अब अपनी एक और किताब लिखेंगे, डिसिप्लिन एंड पनिश. ये तो बहुत ही जबरदस्त किताब है, डिसिप्लिन एंड पनिश. आइडियाज है बहुत सारे. देखो अगेन हम फूको पढ़ रहे हैं, फूको विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज टू ड्रॉप एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है जी. अक्रॉस जो ये चैप्टर है पॉलिटिक्स, एक प्रीवियस चैप्टर है स्ट्रेटिफिकेशन, इतने सारे पॉइंट्स हैं अक्रॉस सोशोलॉजी ड्रॉप होंगे, इसीलिए सबसे पहले शुरू की है हमने, ठीक है जी. ओके, तो डिसिप्लिन एंड पनिश में देखना बात क्या करेंगे. एक सिंपल सी बात मैं आपको चाहता हूँ समझाना. वो ये क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे कहते हैं ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी, हमारी टाइप ऑफ पनिशमेंट भी बदलती गई. कहते पहले पनिशमेंट क्या थी, वो क्या थी कि बॉडी की पनिशमेंट, कि इतने कोड़े लगा दिए जाएं, ये कर दिया जाए. कहते ग्रेजुअली सोसाइटी में मोरालिटी की डेवलपमेंट होती गई एंड पनिशमेंट किसकी हो गई, सोल की हो गई, कि इंसान को ऐसा बोलना शुरू किया, अच्छा आपने चोरी की है, ताकि इंसान को गिल्ट इंड्यूस की जाए. अच्छा आपने इसके साथ ये बुरा ट्रीटमेंट किया तो आपको गिल्ट वाली फीलिंग. तो दैट मीन्स वो क्या बोलता है कि जो पनिशमेंट की नेचर बदली, नेचर कहां से बदली, फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ बॉडी टू पनिशमेंट ऑफ सोल, ठीक है जी. ओके, तो अब ये डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, ही राइट्स कि फूको ट्रेस्ड द चेंजेस इन नेचर एंड पर्पस ऑफ पनिशमेंट इन 18th सेंचुरी, ठीक है जी. एंड ही राइट्स दैट बाय 19वीं सेंचुरी पनिशमेंट चेंज फ्रॉम दैट ऑफ बॉडी टू दैट ऑफ सोल, इंटेंशन चेंज टू रिफॉर्म. कि कहते बॉडी को पीट के तो क्या ही करेंगे हम, हमें सोल को बदलना है, अंतरात्मा को बदलना है, इसलिए रिफॉर्म पॉसिबल है. इसलिए पनिशमेंट की नेचर कैसी होगी, रेफॉर्मेटिव होगी. पहले दो तरह की पनिशमेंट होती है, एक तो होती है रेफॉर्मेटिव बदलने वाली, दूसरी कौन सी होती है, बदला लेने वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रीब्यूटिव. रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट भी होती है हमारे पास, जिसमें बदला लेने की बात होती है. एंड देन आगे वो कह रहे हैं पीपल वर जज फॉर व्हाट दे वर इंस्टेड ऑफ व्हाट दे हैड डन. कि अच्छा आप चोर हो, ठीक है जी, आप चोर, ये बुरा टैग लगना शुरू हो गया ना लोगों पर, तो पीपल वॉन्टेड टू अवॉइड दैट टैग. तो कहते हैं इसलिए देखो कहने की जब कोई पकड़ा जाएगा तभी पिटाई होगी उसकी. कहते पकड़ा जाने से पहले ही उसके दिमाग में डाल दिया कि वो चोर कहलाएगा, सच अ बैड थिंग. एंड इसको वो क्या बोलता है, वैसे हम आगे ऑल्थ्यूजर का भी आइडिया पढ़ेंगे. ऑल्थ्यूजर सेज कि ये आइडियोलॉजिकल स्टेट रिफ्रेशन है, कि स्टेट ने आइडिया ही ऐसा डाल दिया दिमाग में कि आपको ये एक्ट करते हुए आपके हाथ कांपेंगे, लॉ तोड़ते हुए आप बुरा फील करोगे, ठीक है जी. दिमाग में डाल दिया कि हमें नहीं करना. आगे देखना अभी आइडिया डेवलप करेंगे. And then he writes, motivation behind the crime began to be taken into account. कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, इसका मतलब इसकी अंतरात्मा ही खराब है, ठीक है जी. उसको फूको आर्ग्यू करता है. फूको क्या बोलता है कि इससे एक्सपर्ट आने शुरू हुए. एक्सपर्ट, आपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करनी है, कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, में क्या हुआ कि आपने पहले जुवेनाइल था, जुवेनाइल 18 से कम को माना गया. 18 से कम कोई अगर ऐसे कोई अगर हीनस क्राइम करता है तब भी उसको जेल नहीं भेजते, उसको क्या बोलते थे कि रिफॉर्म सेंटर में डालना पड़ेगा. लेकिन अब क्या बोला हमने, अब हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंड कर दिया, हमने एक बोर्ड बना दिया. वो बोर्ड क्या करता है, बोर्ड अमेंड करता है, बोर्ड देखता है कि अगर इसकी इंटेंशन क्या थी, क्या ये जुवेनाइल है भी है कि नहीं. अभी अगेन इसीलिए एक्सपर्ट्स हमारे क्वेश्चन में आने शुरू हो गए. कि जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो मेंटली इल हूं, मुझे सजा मत दो, मेरे से ये गलती से काम हो गया, मैं तो मेंटली इल हूं. कहते हैं एक्सपर्ट से पूछेंगे, साइकेट्रिस्ट से, कि मेंटली इल हो या नहीं हो. इसलिए कहते हैं इट ब्रॉट एक्सपर्ट्स इनटू पावर, इनटू द डिस्कशन. आगे यहां पे अभी राइट्स दैट He says that power is exercised rather than possessed. Power exercise की जाती है, power possess नहीं की जाती. कहते power possess करके क्या करोगे आप, ultimately you will have to exercise power. And इसीलिए क्या बोलते हैं, जब भी power exercise होगी, attempts are made to exercise power, हमेशा ही element of uncertainty रहेगा. पक्का नहीं है कि किसी भी power exercise हो तो आपकी बात माने,
तो कहते हैं इसीलिए अनसर्टेन रहेगी पावर एक्सरसाइज होना। इसलिए फूको बहुत ज्यादा डिटेल्ड एंड वाइडली स्टडीड एक थिंकर है, इसलिए मैं सेपरेटली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फूको का एक और आइडिया क्या है, फूको बिलीव्स पावर कैन समटाइम्स बी रिवर्स्ड। हम पावर को रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे अब सिंपल अगेन कि एक साइकेट्रिस्ट ने आपको कुछ बता दिया कि आपको ये वाली दिमागी प्रॉब्लम है, दूसरे जगह साइकेट्रिस्ट से पूछ लेंगे कि क्या ये बात सही बोल रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि एक जो नॉलेज का सोर्स है साइकेट्री, वो सिर्फ एक के पास नहीं है नॉलेज, बहुत लोगों के पास नॉलेज है। इसीलिए आप काउंटर डायग्नोसिस भी करवा सकते हो, किसी और से पूछ सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो सेकेंड ओपिनियन ले रहे हो। सेकेंड ओपिनियन इज क्या कर रहे हो आप, उसकी जो पावर एक्सरसाइज की पहले वाले ने अपनी नॉलेज के कारण आप उसको रिवर्स करना चाहते हो या फिर उसको चैलेंज कर रहे हो आप। ओके, एंड देन लास्ट में देखते हैं कि ये अब एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया देंगे, वो कौन सा है, पैनोप्टिकन स्टेट का। पैनोप्टिकन स्टेट का मतलब क्या होता है, अभी आप इसको क्विकली देखो, व्हाट इज पैनोप्टिकन स्टेट। पैन ऑप्टिकन का मतलब क्या होता है, पैन सब तरफ, ऑप्टिकन देखना। वो कह रहे हैं कि स्टेट, कहते इमेजिन करो, मैं आपको समझाता हूँ। ये ना अपनी एक एग्जांपल लेते हैं किताब में, एक जेल का। वो कहते हैं एक जेल है, ऐसी जेल है, लेट्स से ये जेल है जिसके ऊपर ऐसे छत लगी हुई है कुछ, ठीक है जी। और यहाँ पर लेट्स से लोग रहते हैं, बहुत सारे सेल्स में सेल होते हैं जो बहुत सारे लोग रहते हैं। और कहते हैं मान लो ये ऊपर नहीं देख सकते कि ऊपर जेलर इनको देख रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन जेलर यहाँ बैठा हुआ है, जेलर इनको देख सकता है ऊपर से, ठीक है जी। लेकिन जो ये लोग थे, ये वाले लोग जो जेलों में बंद हैं, ये नहीं देख सकते ऊपर कि जेलर इनको देख रहा है कि नहीं। तो अब देखो, अब इनको जो ये जेल में लोग बंद हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि ऊपर जेलर बैठा है या नहीं बैठा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ऊपर जेलर है या नहीं इनको पता ही नहीं, तो इसलिए हमेशा ही क्या लगता रहता है कि कहीं मुझे जेलर देखना रहा हो। तो अकॉर्डिंगली जेलर देखना रहा हो तो हमेशा ही ये क्या करते हैं, दे दीज पीपल जो इनमेट्स हैं, जो जेल में बंद हैं, ये हमेशा ही बड़ा डिसिप्लिनड तरह से बिहेव करते हैं। दे स्टे वेरी डिसिप्लिनड कि क्या पता कब मुझे देख रहा हो जेलर, ठीक है जी। तो दे स्टे वेरी डिसिप्लिनड एंड अकॉर्डिंगली, कहते एग्जैक्टली सेम चीज़ है जैसे भगवान के साथ होता है। आप बंद कमरे में बैठे हो, बंद कमरे में बैठे हुए आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं गलत काम ना करूं, क्यों, क्योंकि भगवान तो देख रहा है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान पैन ऑप्टिकन है, गॉड इज पैन ऑप्टिकन। वो कह रहे स्टेट भी यही करना चाहती है, स्टेट भी पैन ऑप्टिकन बनना चाहती है खुद को। क्योंकि खुद कहते जब पैन ऑप्टिकन हो जाएगी, हर इंसान को डर रहेगा कि वो लॉ वायलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट उसको देख ना ले, ठीक है। स्टेट की भी यही अटेम्प्ट है पैन ऑप्टिकन बनने की। आधार कार्ड तो इसका सुप्रीम एग्जाम्पल है पैन ऑप्टिकन का, हर जगह आप पर नजर बनाई रखी जा रही है। तो इसी का मतलब क्या है, इट पॉइंट टूवर्ड्स टेक्निक्स ऑफ सर्वेलांस कि किस तरह से सर्वेलांस की जाती है ताकि एनकरेज किया जाए सेल्फ डिसिप्लिन कि आपको देखो, आपको नहीं पता कि आपको कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, बस आप डिसिप्लिन रहो कि क्या पता जब आप इनडिसिप्लिन दिखाओ, लॉ ब्रेक करो, कोई देख रहा हो आपको, ठीक है जी। एंड इसलिए विद एन आइडिया दैट ह्यूमंस हैव अ सोल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड विद स्टेट ट्राइंग टू प्रोड्यूस, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, डोसाइल बॉडीज। डोसाइल का मतलब जो कि आपकी क्या है, जैसे डॉग इज अ डोसाइल एनिमल, उसको बोलो तो मान जाता है, ट्रेन करो ट्रेन हो जाता है, ऐसे ही करें इंसान भी डोसाइल हैं, उनको कुछ समझाया जाएगा वो समझ जाएंगे एंड दे विल बिहेव लाइक अ ट्रेन्ड डॉग, ठीक है जी। तो ये आइडियाज अगेन क्विक रिविजन कि हमने क्या पढ़ा आज, सॉरी पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट में मार्क्स का आइडिया पढ़ा, मार्क्स हैव नॉट की बात करेगा एंड अकॉर्डिंगली बोलेगा कॉन्फ्लिक्ट दोनों में एंड किस में बात करेगा, किताब इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है जी। और वो क्या बोलता है, जो हैव्स है अपनी, उनकी पावर परवेसिव है, सब तरफ चलती है एंड सारी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज वो बनवा लेते हैं अपने अपने हिसाब से, सारी विचारधाराएं बनवा लेते हैं। देन कम्स माइकल फूको। माइकल फूको की तीन बुक्स पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पावर एंड नॉलेज। पावर एंड नॉलेज में वो बात करेगा जिसके पास नॉलेज उसके पास पावर एंड जिसके पास पावर वो नॉलेज क्रिएट कर लेगा। अगर मेरे पास पावर है तो मैं अपने हिसाब से डिस्कोर्स बना लूंगा, डिस्कोर्स की बात करेंगे वो, डिस्कोर्स बनेगी एंड डिस्कोर्स से लोगों पे हम आप कंट्रोल कर सकते हैं उनकी विचारधारा। एंड देन वो बोलते हैं कि कहते क्या लोगों को बंद करके हम पावर एक्सरसाइज करेंगे, कहेंगे नहीं, उनको फ्रीडम देके पावर एक्सरसाइज होगी, फ्रीडम दो उन्हें एंड दे विल डू सर्टेन थिंग्स, यू विल हैव नॉलेज ऑफ देम एंड अकॉर्डिंगली यू एक्सरसाइज पावर, ठीक है जी। देन किताब लिखते हैं मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में अगेन डिस्कोर्स को वो एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज डिस्कोर्स, सिस्टमैटिकली फॉर्म्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच दे स्पीक, फॉर एग्जांपल साइकेट्री क्रिएटेड मेंटली इल, अकॉर्डिंगली डिस्कोर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। देन बुक आएगी डिसिप्लिन एंड पनिश। डिसिप्लिन पनिश में बोलेंगे कि नेचर ऑफ पनिशमेंट बदलती गई 18वीं सदी में, सोल की पनिशमेंट की बात शुरू हुई, क्योंकि कहते सोल की पनिशमेंट की जब बात शुरू होगी तो अकॉर्डिंगली आपको कंट्रोल करना आसान होगा, आपकी सोल रोक कंट्रोल करनी आसान है। एंड देन वो कहते पावर एक्सरसाइज नहीं है, पावर एक्सरसाइज है, रादर पोजेस्ड नहीं है, क्योंकि और कहते इसी कारण एक्सरसाइज जब आप पावर करने जाओगे तो अनसर्टेनिटी रहेगी कि बात बने या ना बने, आपकी बात कोई माने या ना माने, ठीक है जी। एंड पावर कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड,
एक और आइडिया दिया, पावर कैन बी रिवर्स्ड, आप सेकंड ओपिनियन लेते हो किसी और से। एंड देन लास्ट आइडिया इज पैनऑप्टिकन, कि पैनऑप्टिकन मतलब सब तरफ देखना, ताकि डिसिप्लिन्ड सिटीजन बने, डिसिप्लिन्ड हमारी बॉडीज बने। ठीक है जी, ये लेक्चर था हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज ऑफ पावर। एंड देन अब हम इसके बाद हम सबसे जो ब्रॉडर थ्योरी है वो है माइकल मान की, माइकल मान की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तब तक आप भी किताब उठाओ अपनी हरलंबस से पढ़ना शुरू करो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में हरलंबस का लिंक भी लगा रहा हूँ, तो यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हरलंबस। ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।